अरे उल्टा खड़े हो चलेगा चलेगा हाँ क्या कहना चाहोगे फैमिली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है काम चाहे कितना भी हो दुनिया में आखिरकार जब आप आखिरी सांस लेते हो तब आपकी फैमिली आपके पास होती है तब आपका काम नहीं होता जरूरी है बहुत जरूरी है एक फैमिली को कंफर्ट देने के लिए एक फैमिली को यू नो अपने आप को प्रूव करने के लिए काम बहुत जरूरी है लेकिन फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं है और एक माँ के लिए बच्चे से बढ़कर कुछ भी नहीं है मैम इट्स अ नाइन्थ बर्थडे क्या सोचा है फ्यूचर प्लानिंग कुछ तो आपने सोचा रहेगा आजकल के बच्चे अपना फ्यूचर खुद सोचते हैं हम लोग और माँ बाप का कौन सुनता है यस हमने दे आर मोर इंटेलिजेंट आजकल के बच्चे अवेयर है हमारी तरह नहीं कि कुछ पता ही नहीं था मम्मी ने अगर रुपरेल कॉलेज में डाल दिया वहाँ ही जाना है तुमको तो वहीं जाएंगे ऐसा नहीं था आजकल के बच्चे वेरी अवेयर उनको एग्जैक्टली पता है क्या है और कितने सारे एवेन्यूज खुल गए हैं कितने सारे नए नए जॉब्स आ गए हैं कितने सारे नए यू नो प्लेसमेंट्स एवरीथिंग सो बच्चों को क्या हम लोग क्या फ्यूचर प्लानिंग करेंगे बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने की प्लानिंग है और कुछ नहीं आप जब छोटी थी तो आपकी बर्थडे सेलिब्रेट किस ढंग से होती थी क्या है मेरी बर्थडे बहुत बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होती थी पापा के सारे आर्टिस्ट आते थे आई टू हैव अ बिग बर्थडे पार्टी टिल आई वाज 10 10 साल की थी तब तक बर्थडे सेलिब्रेट हुआ उसके बाद में तो आर यू ऑल्सो थिंकिंग कि 10 साल तक के ही बर्थडे करना है उसके बाद में नहीं एक्चुअली हाँ एक्चुअली वैसे ही होना चाहिए जब तक बच्चे बड़े हैं तब तक वो अपना डिसाइड बाद में तो फिर मामा गिव मी सम मनी फ्रेंड्स को ट्रिप पे लेके जाना यही होगा बट जब तक मैं इंजॉय कर सकूँ इम्पोर्टेंट है कि मैं उसका बर्थडे इंजॉय कर सकूँ तो ये पार्टी उसके लिए मेरे लिए मतलब हाथ नहीं लगाया एंड अच्छा लगा डिटॉक्स जैसा हो गया अभी भी मुझे नहीं पता मेरा फोन का है सो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी एक अब सडनली ये क्या होता है ना कि आप मम्मी लोग बर्थडे पार्टी में जाते हैं और ऐसे फोटो लेने में बिजी अरे अरे मेरा बच्चा कूदा फोटो लो मैं भी वैसे ही करती हूँ तो वो उसमें आप एक्चुअली वो पल को एंजॉय करना भूल जाते हैं तो आज मैंने अपना फ़ोन बाजू में रख दिया है कोई फोन वोन कुछ नहीं मेरे पास